अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यास्मीन हुमा ख़ान किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन के साथ राजमा, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप राजमा। इसे 5 घंटे भिगो दिया है हमने और 750 ग्राम के करीब हमारा चिकन है। 200 ml ऑयल है हमारा, कुकिंग ऑयल। 2 बड़े टमाटर काट लिए हैं मैंने और 1 बड़ी प्याज, बहुत बड़ी प्याज थी उसे हमने कट कर लिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 बड़ी चम्मच धनिया, 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्ची, 1 बड़ा चम्मच नमक, 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी प्याज कटी हुई, 1 चम्मच ज़ीरा। ये हम दोनों चीज़ें तड़के में यूज़ करेंगे। काली इलायची और सिनेमन स्टिक्स, ये हम राजमे में बॉईल करेंगे। और ये थोड़ा सा गरम मसाला है, हम यहाँ ज़्यादा गरम मसाला नहीं लेंगे क्योंकि इसमें मुँह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। राजमे को हम बॉईल कर लेंगे थोड़ा सा नमक डालकर। 2-3 चुटकी हमारा सोडा है वो डाल दिया, सिनेमन स्टिक्स और ये काली इलायची डाल दी। और इसे 1 कप पानी में डालकर 1 सीटी के बाद में 10 से 12 मिनट हम इसके प्रेशर में पकाएंगे। हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, ये आधा ऑयल है हमारा, आधा हम बुखार में डालेंगे। तो इसके बाद हम डाल देंगे प्याज, तो थोड़ा मुलायम होने तक पका लेंगे। प्याज हमारी सोटे हो गई है, अब इसमें हम गरम मसाला भी डाल लेंगे। इसके साथ साथ चिकन डाल देंगे। जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए इसी पर। अब हम इसको मसाला डालेंगे। सबसे पहले हल्दी डाली मैंने, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट थोड़ा एहतियात से डालिए क्योंकि सॉल्ट हमने उसमें भी डाला हुआ, थोड़ा बचा दिया मैंने। इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं आप, अच्छे से भून लीजिए, कस लीजिए इसको। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसे अच्छे से भून लीजिए क्योंकि मसाला खुश्क है और चिकन में पानी ज़्यादा नहीं है। और अब इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे, सॉफ्ट भी हो जाएंगे इसके साथ साथ, तो पानी की कमी भी पूरी कर देंगे। हमारा चिकन एकदम भून गया है बिल्कुल, इसमें बहुत अच्छे से खुशबू आने लगी और चिकन भी टेंडर हो गया। तो अब इसमें हम डाल देंगे राजमा। देखिए ये हमारा राजमा एकदम से गल गया है, ये देखिए बहुत सॉफ्ट हो गया ये। अब ये हम इसमें डाल देंगे। और इसे मिक्स कर दीजिए। चिकन में हमने राजमा डाल दिया है, अब इसमें हम पानी डाल देंगे, आधा कप पानी, जितना हमें थिक या पतली ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दीजिए। थोड़ा पानी और डालेगा। अब इसे 10 मिनट हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कवर करके पका लेंगे और ये तैयार है, फिर इसमें तड़का दे देंगे। हमारा राजमा चिकन तैयार है और इसमें हम लास्ट में डाल देंगे गरम मसाला, हल्का सा नीचे से चम्मच चला दीजिए। इसमें चिकन ज़्यादा है, इसमें राजमा कम नज़र आ रहा है। अब इसमें तड़का लगा देंगे हम। हमने एक तड़का पैन ले लिया है और इसमें डाल देंगे ऑयल। थोड़ा ऑयल गरम होने देते हैं, जीरा डाल दीजिए,
अनियन डाल दीजिए, फिर लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करके अब हम डाल देंगे इसमें इसे कुछ देर कवर ही रहने दें। हमारा राजमा चिकन बनकर के तैयार है, अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। हमारा राजमा चिकन बन करके तैयार है, इसे आप गरम रोटी या चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने घर अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और एक नई रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुदा हाफिज़।